Good morning, students. I'm Naman Aslam, your English teacher for grade 6. Today is Monday, April 12, 2021. Our today's topic is our duty to our flag, which is unit number 1. Today we will do the comprehension part of the chapter, which includes all the questions. Our first question is, who wrote our duty to our flag? In this question, we only need to write the name of the author. The answer is Edgar Albert Guest wrote Our Duty to Our Flag. Next question, what is meant by less hate and greed? The answer of this question is less hate and greed means we should not hate each other. We should not act as a selfishly. More precisely, it means ke hamein nafrat kam और लालच नहीं रखनी चाहिए हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए नंबर 3 व्हाट डज आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो किस चीज का वो क्या चीज जाहिर करता है एवरी फ्लैग प्रोवाइड्स A specific identity to a nation. So our flag symbolizes freedom and national pride. मतलब कि हमारा flag जो है वो आजादी और कौमी यकजहती को जाहिर करता है. Number 4. What is the theme of the poem? The theme of the poem deals with the self-respect, nafs ki izzat, honor. And integrity of the national flag. हमारे national flag की इज्जत कि हमें उसे किस तरह से अपने national flag को रोशन करना चाहिए prominent करना चाहिए with respect to the other world. Our last question is how can you serve your country to raise its flag? अपनी मुल्क को आप किस तरह से सर्व कर सकते हो या काम कर सकते हो अपने मुल्क के लिए कि उसका जो झंडा है वो रोशन हो अमंगस्ट ऑल द वर्ल्ड द आंसर इज वी कैन सर्व आवर कंट्री टू रेज इट्स फ्लैग बाय वर्किंग हार्ड फॉर इट हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर फ्लैग हमें इसको इज्जत देनी चाहिए वी शुड ऑलवेज बी यूनाइटेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड रेज आवर फ्लैग इन ऑल डिफिकल्टीज हमें हर मौके पर एक जान होना चाहिए इकट्ठा होना चाहिए और कोई भी अगर बात हो जाए ऐसी जिससे हमारे फ्लैग की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा हो तो उसमें हमें डट कर सामना करना चाहिए फर्स्टली वी शुड रेक्टिफाई आवरसेल्व्स एंड देन वी देम हु डिसऑनर्ड हमें सबसे पहले अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हम इस फ्लैग की इज्जत में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं एंड देन उसके बाद उन लोगों को अपने अपनी कामयाबियों से समझाना चाहिए अपने कामों से समझाना चाहिए कि इसका डिसऑनर करना अच्छी बात नहीं है हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए एंड देन वी शुड टेल अदर्स दैट दे शुडन बी डूइंग दिस आवर टूडेज डायरी इज टू राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन शीट्स एंड लर्न देम थैंक यू